हे गाइस वेलकम बैक और एक नए वीडियो में। दोस्तों इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द Redmi का Redmi Note 13 सीरीज लॉन्च करने वाला है। ये ऑलरेडी चाइनीज मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर 3 डिवाइस देखने को मिलेगा, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus और Redmi Note 13। इन तीनों डिवाइस इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। अगर आप Redmi Note 13 Pro या फिर Redmi Note 13 Pro Plus इन दोनों डिवाइस के बारे में अगर जानना चाहते हैं, इसका फुल स्पेसिफिकेशन, इंडियन लॉन्चिंग डेट, क्या कुछ आपको प्राइस में इंडिया में देखने को मिलेगा, तो उसका रिगार्डिंग अलग वीडियो है। ऊपर आए वीडियो में मैं दोनों वीडियो का लिंक दे रहा हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में इसका छोटा भाई Note 13 5G इसका फुल डिटेल्स और कॉन्फर्म स्पेसिफिकेशन बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के तरफ। दोस्तों Redmi Note 13 5G इसका लुक और डिजाइन आपको बिल्कुल Redmi Note 13 Pro जैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। Redmi Note 13 Pro डिवाइस में पीछे की तरफ आपको ग्लास बैक दिया जा रहा है, लेकिन Redmi Note 13 में आपको पीछे की तरफ पॉलीकार्बोनेट मिलेगा। और ये जो डिवाइस है इंडिया में 3 कलर वेरियंट के साथ लॉन्च होगा, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू। मतलब यहाँ पे आपको कुछ अलग लुक जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों Redmi Note 13 डिवाइस बहुत ही स्लिम और लाइट वेट होने वाला है। ये जो डिवाइस है 7.6 mm थिकनेस पे आने वाला है और इसका जो वेट 173.5 ग्राम का है, मतलब बहुत ही लाइट वेट है। और दोस्तों इसके साथ आपको डुअल सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, दोनों सिम कार्ड नैनो सिम कार्ड है। दोस्तों फिलहाल चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। Redmi Note 13 5G में आपको एक हाई क्वालिटी का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पे आपको एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 6.67 इंच का होने वाला है। दोस्तों ये जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करने वाला है, 100 पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, 1 बिट कलर रेजोल्यूशन के साथ जो डिस्प्ले आने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों इस डिस्प्ले में आपको Gorilla Glass 5 का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, मतलब डिस्प्ले बहुत ही तगड़ा होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। ये जो डिवाइस है Redmi Note 13 5G आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 MIUI 14 के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। और ये जो डिवाइस है 5G डिवाइस है, मतलब एक आपको बेहतरीन 5G चिपसेट भी देखने को मिलेगा, जो होगा MediaTek Dimensity 6080। ये जो चिपसेट है 6mm टेक्नोलॉजी पर बेस है, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। हीटिंग इशू आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको जो GPU यूज किया जा रहा है वो है मालिया G57 MC2 का, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों अभी बढ़ते हैं मेमोरी और स्टोरेज टाइप के ऊपर। ये जो डिवाइस है चाइनीज मार्केट में 3 वेरियंट के साथ लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में जो लीक आया है 2 वेरियंट के साथ आने वाला है। इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा और इसका जो बेस वेरियंट होने वाला है 6128 और इसका जो अपर वेरिएंट होने वाला है 8256। इन दोनों वेरिएंट के शायद इंडिया में आएगा, चाइनीज में और एक वेरिएंट देखने को मिलेगा 8128, तो जब आएगा तब पता चल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कैमरे की तरफ। ये जो डिवाइस है पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो मेन सेंसर यूज किया जा रहा है वो है 100 मेगापिक्सल का। उसके साथ साथ दोस्तों आपको और भी एक सेंसर देखने को मिलेगा, जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और दोस्तों इसके साथ आप मैक्सिमम 1080p 60fps आप वीडियो शूट कर सकते हो। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो कैमरा आपको डिसेंट देखने को मिलेगा, इतना अच्छा भी नहीं है और उतना बुरा भी नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेल्फी की तरफ। इस डिवाइस में आपको मिडिल पंचोल के साथ 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम 1080p 60fps आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। HDR का सपोर्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो सेल्फी भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है Redmi Note 13 डिवाइस के साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। यहाँ पे आपको मैसिव बिग बैटरी दिया जा रहा है, जो होगा 5000 mAh का। और ये जो डिवाइस बहुत ही लाइट वेट है, 173.5 ग्राम का है और 5000 जो बैलेंस मेंटेन किया है बहुत ही मस्त है। उसके साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, लगभग 1 hour 10 minutes के अंदर डिवाइस फुल्ली चार्ज करके दे देगा। तो बड़ा बैटरी, फास्ट चार्जर, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 13 डिवाइस के साथ। दोस्तों ये जो डिवाइस है 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, आपको मोनो स्पीकर देखने को मिलता है, स्टीरियो स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.3 का ऑप्शन दिया जा रहा है, वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, FM रेडियो का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलेगा, USB टाइप सी 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो डिवाइस है यहाँ पे आपको सभी 5G बैंड देखने को मिलेगा, जो सारे इंडिया में सपोर्टेड है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको आयर ब्लास्टर का सपोर्ट
आउट भी दिया जा रहा है। दोस्तों अभी जान लेते हैं इंडियन लॉन्चिंग डेट और प्राइस। ये जो डिवाइस है जो लीक आया है उसका मुताबिक नवंबर की एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। इसका जो बेस वेरिएंट चाइनीज मार्केट में लॉन्च हुआ है अंडर 15,000, तो इंडियन मार्केट में शायद अंडर 15,000 नहीं आएगा। इसका जो प्राइस लगभग आपको 16,000 टू 17,000 के अंदर होने वाला है। अगर इसी प्राइस रेंज में इंडिया में आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन इंडिया मार्केट में आने से पहले बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जाए। तो आपको इस डिवाइस का फुल स्पेसिफिकेशन कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो अगर इस वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब कर रखना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रोजाना इसी चैनल में मिलता रहता है, तो गाइस जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यार मिलते रखना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।